उसके बाद तुमने कहा रख दिया कराची का, इसी में रखे थे कल परसों। चुप हो जा यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी बहनों, कैसे हो आप लोग? अच्छा हम कैसे हैं, पहले इस तफसील पे जाते हैं। मतलब मैं अभी बैठी बैठी ये सोच रही थी कि अगर काम बंद हो जाते हैं, काम खत्म हो जाता है, मतलब इंसान अपना काम खत्म कर लेता है, जो अपना पूरे दिन की मेहनत होती है वो अगर जल्दी कर लेता है तो वो अपना जो है ना काम बंद कर देता है। मतलब जैसे कि पकौड़े वाले, अगर हम पकौड़े वालों से मिसाल लें तो वो हमसे अच्छे हैं, क्योंकि जब उनके जो भी लेकर वो आते हैं रोल समोसे पकौड़े, और जब वो खत्म हो जाते हैं तो वो अपना ठेला बंद करके उड़ चले जाते हैं। नहीं, हमारा स्टॉक दोपहर से खत्म हुआ है और हम सिर्फ लोगों की गालियां सुनने के लिए बैठे हैं, लोगों की बातों को सुनने के लिए हम बैठे हैं। इसके अलावा एक सेकेंड जरा मैं इसकी आवाज हल्की कर दूं, यार ये कहां से लगाया हुआ है लोगों ने। तो हम लोग सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं, स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का खत्म हुआ हुआ है। नहीं, नो, फिनिश्ड, खत्म। बोलते बोलते हमारे ये जो दांत है ना, ये झड़के गिरने वाले हैं अब। और मैं अगर आप लोगों को वो दुखी औरतों के कुछ वॉइस नोट सोचा मैंने स्टेटस पे लगाऊं आज, तो कुछ रिकॉर्ड भी हमने की, इसी मोबाइल में रिकॉर्ड है ना शामिक, वरना मैं अभी सुनाती आपको, बल्कि एक मैं सुनाती हूँ, सुनिए, मैं आपको इसी वीडियो में सुनाती हूँ, सुनिए। और इस तरह के हजारों दर्जनों मैसेजेस, दर्जनों भी मैं शायद कम बोल रही हूँ, इतने मैसेजेस हैं कि अगर मैं स्क्रीनशॉट लूं तो लातादाद मैसेज हैं, लातादाद। आज सुनो, रात को फिरोजी कलर भी दिखा रहे थे। कहाँ है वो मैसेज शामिक? तो बहरहाल अभी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, इतने मैसेजेस, इतने शिकवे यार। नहीं, तुम ये भी मत दो। अच्छा, हम भिखारी हैं, जब बच जाए तो मैंने ऑनलाइन उसी वक्त, मैंने बाद में फौरन जरा भी मेरी तबीयत संभली तो मैंने किया, ये कोई बात नहीं, मुझे चाहिए वो दुपट्टे, मुझे नहीं मालूम बेटा, मुझे चाहिए, हर हालत में चाहिए, किसी के भी निकाल के मुझे दो, वो दुपट्टे दो तीन चाहिए, व्हाइट भी चाहिए मुझे, व्हाइट तो मैंने लिखा है, दो तीन चाहिए मुझे इसमें, और इसमें ग्रे दे दो, एक येलो दे दो, और वो मैंने पर्पल मांगा है, और मैंने फिरोजी मांगा, मुझे नहीं मालूम मोइजा से कौन, मुझे चाहिए हर हालत में, मुझे कोई चीज ही नहीं मिलती, ये कोई बात नहीं है तुम्हारी। लोगों को तो कह रहे होते रिकॉर्डिंग में भेज देना स्क्रीनशॉट, और मैं मांगती हूँ तो मुझे देते नहीं हो, तुम बोल कौन रहे हो, तुम्हारे आके कान खींचूंगी मैं, मेरा बच्चा प्यारा कर दो मेरी जानू, मेरा बेटा दुपट्टे चाहिए खाली। आपको और सुनाती हूँ, मतलब जो मुझे याद है मैं वो सुना रही हूँ, और ये वो क्लाइंट है जो, बड़े अफसोस के साथ में मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये वो क्लाइंट है जो मेरे रेगुलर क्लाइंट है और मेरे सालों पुराने हैं, सालों पुराने। सुनिए, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बेटे जरा महविश को मेरा पैगाम देना कि कोई काम का जो कपड़ा होता है वो मुझे नहीं मिलता, आप लोग देते ही नहीं, हालांकि मैंने बहुत जल्दी आपको मैसेज कर दिया था, और पता नहीं किसको देते हैं, मुझे नहीं देते, पर जो आल बला थोड़ा बहुत होता है वो मुझे मिल जाता है बचा बचाया, तो ये मुझे आप नहीं देते, और वो काम वाले दुपट्टे भी आए हैं कि कब आएंगे, वो मिलेंगे कि वो भी नहीं मिलेंगे, तो जरा मेरा पैगाम देना प्लीज, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। और अब आपको कुछ, मैं अगर मैं बैक नहीं हो रहा, वरना ये तो मुझे वो है जो मुझे याद है कि ये सारे रेगुलर क्लाइंट हैं जो नाराज हो रहे हैं, कंटिन्यू नाराज हैं, लात तादाद मैसेज, मतलब कितने मैसेजेस सुनाऊं, कितने सुनाऊं, बहुत मैसेजेस हैं यार, नो नहीं खत्म, नो नहीं खत्म, स्टैमिना खत्म हो गया, स्टैमिना खत्म हो गया। बहरहाल मैंने एक मिसाल दे दी ना आपको कि हमारा हाल शायद वो जो पकौड़े वाले हैं ना, पकौड़े वाले, काम खत्म, स्टॉक खत्म, तो चले जाते हैं। अब ये दोपहर का स्टॉक खत्म हुआ है, सोचने की बात है, अभी भी ये ऑर्डर का मैं गोद में लेके बैठी हुई हूँ, तो स्टॉक खत्म हो गया तो चले जाते हैं ना, ये मेरी, हमारा खजाना है इसमें, सारा खजाना, तो स्टॉक खत्म हो जाता है तो हम लोग जो है ना एंड कर देते हैं, और मतलब एंड हो जाना चाहिए और चले जाना चाहिए। हमारे कुछ इंटरनेशनल के पार्सल जा रहे थे, उनकी वजह से लेट हो गया, सॉरी बीच में कॉल्स आ रही हैं, तो जिसकी वजह से ये डिस्कनेक्ट हो गए थे ना, वीडियो ज्वाइन करनी पड़ेगी। बहरहाल तो इसमें देखो फिर अगेन अगेन अगेन, तो उसमें जो है इंटरनेशनल के पार्सल जा रहे थे, उसमें वो काम हम लोग कर रहे थे, कुछ टेलरिंग का काम हम लोग कर रहे थे, कुछ ऑर्डर्स। अच्छा, स्टॉक खत्म हुए दोपहर से भी, फिर भी हम लोग बैठे हैं कंटिन्यू। आप ये देखो, आज महबूब की बहन की शादी है,
मैंने निकाला इन लोगों को कि अच्छा है जाओ, स्टॉक खत्म हो गया जाओ, मतलब किसी तरह उधर कि बंद कर दूं, सिस्टम बंद कर दूं, मोबाइल बंद कर दूं, शिकवे शिकायतें, मेरे कान थक गए, मैं परेशान हो गई, मतलब मैं किस किस को राजी करने की कोशिश करूं, किस किस को समझाने की कोशिश करूं और किस तरह से समझाने की कोशिश करूं, मुझे समझ नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक यार अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है, आप लोग के सामने धान होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग के सामने, कहीं आपने देखा है जो सिंगल सूट होता है, मैं बताती हूँ कि ये सिंगल सूट है और वो नजर आ रहा होता है हम वो सिंगल है, यार धान होते हैं, मतलब धान बात ही खत्म हो गई ना, धान होते हैं, 100-100 गज के धान है, 150 गज के धान है, कोई 200 गज के धान है, कोई 70 गज के धान है, मतलब जितनी क्वांटिटी पीछे है पूरी पूरी ले रही हूं, ऐसा नहीं है पूरी पूरी ले रही हूं ना, जितनी क्वांटिटी है, अब उस क्वांटिटी के बाद ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को भी लचक डालनी पड़ेगी, थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा यार। मैं ये कहती हूँ मेरे पास रोज आने, मतलब अगर स्टॉक खत्म हो गया तो ऑब्वियस बात है कि दूसरा स्टॉक आएगा और वो उससे बेहतर आ जाएगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो उससे भी अच्छी आ जाती है, उन्हीं में कि उससे भी अच्छी आ जाती है, फिर उससे बेहतर आ जाता है, उससे अच्छा आ जाता है, तो ये हाल होता है। एक वक्त में अगर कोई 50 पिक्चर्स डाल रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम 50 के 50 दे देंगे। मैं अगेन एंड अगेन ये बात करती हूँ, कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जो न्यू है वो काफी परेशान है और उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि अगर हम पिक्चर्स डाल रहे हैं आप हमको क्यों नहीं दे रहे हो और हम पेमेंट लगाने को तैयार हैं। जो पेमेंट लग चुकी है उनका क्या, मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि जो लोग ये बोलते हैं कि हम पेमेंट लगा रहे हैं और हम भी लगाएंगे, जो पेमेंट्स लग चुकी हैं उनका क्या, वो हमारी जिम्मेदारी हो चुकी है, वो हमारी अमानत हो चुकी है, मतलब हम जो चीज हमारे पास पड़ी है वो जब तक मेरी है जब तक उसकी पेमेंट नहीं लगी, अब पेमेंट लगने के बाद वो अब किसी और की अमानत हो चुकी है, तो वो अमानत में खयानत तो नहीं कर सकती ना। कंटिन्यू मोबाइल बज रहे हैं और सिर्फ एतराज है, सिर्फ शिकवे हैं, मेरी समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से दूर करूं। आप लोग अपनी जगह पे ठीक हो, मैं आप लोग को गलत नहीं कह रही, पर थोड़ी सी हमारी कंडीशन भी समझने की कोशिश करो। हम लोग ये देख रहे हो कंटिन्यू, सिर्फ मैं देख रही हूँ इमोजी, रोने वाले इमोजी है, गुस्से वाले इमोजी है, कंटिन्यू इमोजीज आ रहे हैं और सिर्फ यही है। बैक कैमरा हो सकता अभी तो मैं आप लोगों को ये सिस्टम पर दिखाती, कंटिन्यूसली यही इमोजी सेंड हो रहे हैं। बहरहाल ऐसे टाइम पे मेरा दिल चाहता है मैं सब कुछ बंद करूं और न्यू स्टॉक के साथ, जब मैं डायरेक्ट, मतलब ऐसा होता है कि मैं गोदाम जाऊं उस स्टॉक देखूं ये वो डायरेक्ट लाइव में रख दूं, मैं सिस्टम देखूं ही ना, लाइव के बाद सब भूल जाएंगे। पर यार ये जो मतलब दोपहर से अब तक का जो टाइम है ना, यकीन मानो ऐसा हो गया कि बस मैं सोचो मैं पड़ी हुई हूं, मैं तकरीबन 2 घंटे से डायरी लेके बैठी हुई हूं अपनी एंट्रीज की और मैं समझ नहीं पा रही। अब जिन लोगों ने एडवांस लगाए हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने एडवांस लगाए, भाई एडवांस वालों की भी तो एक लिमिट होगी ना, किस हद तक एडवांस वालों की भी लिमिट होगी। अब उन लोगों के लिए मैं बोलती हूँ कि मैं अरेंज करूंगी, मेरी जिम्मेदारी, आप बेफिक्र रहो। मतलब एडवांस वाले मैं ये देखती हूँ कोऑपरेटिव हैं, बेटर देन जिन्होंने एडवांस नहीं लगाई, वो एडवांस लगा के भी बड़ा कोऑपरेट कर रहे होते हैं, बिलफर्ज खत्म हो जाए अगर स्टॉक, इतना बड़ा लेटर आया मेरा, इतना बड़ा दुखी लेटर आया किसी का है ऑर्डर नंबर, खोलने का दिल नहीं चाह रहा और मैं खोल भी नहीं रही, कम से कम इतना बड़ा लेटर है नोटिफिकेशन में नजर आया मुझे। बहरहाल यार क्या बोलूं, मतलब आप लोग अपनी जगह सही हो, मैं आप लोगों को गलत नहीं बोल रही, लेकिन क्या होती है कुछ कंडीशन समझनी पड़ती है, समझो यार समझो, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अल्लाह को प्यारी हो गई तो तुम लोग क्या करोगे, फिर तो कुछ भी नहीं मिल सकता ना। संगीता कुमारी भी आई उनका भी अभी आया, तो बहरहाल तो फिर आप लोग क्या करोगे, कुछ हासिल वसूल है, कोई आपको ऐसे रेट नहीं देगा जो मैं दे रही हूं, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, कोई ऐसे रेट नहीं देगा, याद करोगे तो भाई मतलब इतनी टेंशन दो जितनी ले सकूं। मेरे जब इतनी ज्यादा टेंशन हो जाती है और मेरी रेगुलर बहनें नाराज हो जाती है, सब नाराज हो जाते हैं, फलक को लास्ट लाइफ में कुछ नहीं मिला, सेकेंड लास्ट लाइफ में कुछ नहीं मिला, आप बोलते हो कि फलक मेरी रिश्तेदार है या जो भी है, आप बहुत नाम लेते हो ये वो, फलक को कुछ नहीं मिला, कल की लाइफ में भी वो इस बात की तायद करेगी, आप लोग देख लेना, उसको नहीं मिला, तो जो नहीं है वो उसूली तौर पर जो एक चल रहा होता है सिस्टम, उसी उसी के साथ चल रही होती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है मैं एक उसूल के साथ चल रही होती हूँ, उसमें चाहे कोई भी आए, मेरी अपनी बहने 1000 वाले जो सूट है ना, जाहिर सी बात है रेटों में ऐसे है कि हर कोई पागल हो रहा देख के, 1000 वाले सूट्स के कलर्स एंड हो चुके, खत्म हो गए, उनको चाहिए नहीं है तो नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, तो वो मैं तो एक रूल के हिसाब से चल रही हूं। अब जब मैं रूल के हिसाब से चल रही हूं
अगर मैं रूल्स फॉलो नहीं करूंगी, मैं खुद जिनकी पेमेंट लग गई, जिनकी अमानत मेरे पास आ गई, अगर मैं उनकी अमानत में खयानत कर रही हूँ, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, अगर आज मैं उनकी अमानत में खयानत करूंगी तो कल मैं आपकी भी कर लूंगी। आप जो कहते हो ना पेमेंट लग गई, आप उनको मना कर दो, आप उसको ये कह दो, आप उसको ये कह दो, ये मैं नहीं करूंगी, किसी सूरत नहीं करूंगी, किसी के लिए नहीं करूंगी, मैं ये बात बोलती हूँ। ये चीज जो है ना बहुत गलत हो जाएगी। पेमेंट उन्होंने लगा दी, मेरे भरोसे लगा दी, अगर चीज मेरे पास मौजूद है तो मैं कैसे बोल दूं? वो बेईमानी हो जाएगी, वो नहीं बोल सकती, मैं वो नहीं निकाल सकती। वो पेमेंट लग गई, अब उनकी हो गई, वो मेरी रही नहीं चीज, ठीक है। अब जब वो मेरी रही नहीं, उस चीज को मैं मना कर दूं, तो वो तो बेईमानी हो गई ना, तो वो उस चीज को मैं नहीं कर सकती, ठीक है। सबसे पहले मेरी कोशिश होती है जिन्होंने पेमेंट लगाई उनको एक तरफ करूं, ताकि टेंशन फ्री हो जाऊं। इसमें एंट्री उन्हीं लोगों की हो रही होती है, टेंशन फ्री हो जाऊं। तो बस ये सारी चीजें होती हैं। मतलब मैं इतना ज्यादा पक गई, मैं बताऊं, ये सर से लेकर ना नीचे शोल्डर तक जो है पेन उतर रहा है, नीचे टेंशन वाला है। एक और फर्रा आया यार, नीचे तक ना पूरा मेरा दर्द पेन उतर रहा है। तो फ्राइडे है, कल जो है युसरा की छुट्टी है, ऑफ है स्कूल का, तो मैं कह रही हूं कि मैं माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं चली जाऊं, अल्लाह करके। मतलब परसों तो कुछ भी भड्डे नहीं थे जो आज है, परसों कुछ भी नहीं थे जो आज दोपहर से हाल हो रहा है हमारा, यकीन कीजिए। स्टाफ ने मतलब हाथ पर छोड़ दिए थे तो दोपहर से, और मैंने तो कल रात में ही छोड़ दिए थे, मुझे अंदाजा हो गया था, मैंने तो कल रात में ही छोड़ दिए थे, सही बताऊं तो। यार मतलब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, यकीन करो हर एक दुखी मैसेज देखकर दिल खराब होता है, अच्छा नहीं लगता, जाहिर सी बात है, अच्छा नहीं लगता। शामिक 2 मिनट उठना, 5276 की 10 yard लेस देखो, वो सिल्वर वाली कितनी है, 10 तो नहीं होगी पूरी, वो कर दो, मैं भूल जाऊंगी वरना। 10 yard, हाँ। तो बहरहाल ख्वाहिश बड़ी थी आज महबूब के यहां जाने की, लेकिन नहीं जा सकी, वजह मैं दुखी हूं अंदर से। अभी सोच रही हूं कई चक्कर लगा लूं, बाहर आउटिंग पे चली जाऊं, छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, देखो कहां जाती हूं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए, और शामिक के ऊपर छोड़ जाऊंगी सबको, सारी औरतें शामिक के ऊपर छोड़ जाऊंगी, शामिक जाने और वो जाने, सुबह अगर ये बचा सुबह अगर ये बचा तो ये मिल जाएगा आप लोगों को कल लाइव में, नहीं बचा तो ठीक है। जो हाल हो रहा, मतलब लग रहा है लोग चाकू बुक दे गने लेकर हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। शुक्र है मैंने यहाँ का विजिट अलाउड नहीं रखा था, आप लोगों को तो एड्रेस पता लग जाए आप लोग तो धमाल डाल दो भाई, तो आप लोगों ने तो मुझे वैसे ही डरा दिया है। तो बहरहाल अभी तो सीजन नहीं आया यार, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो सीजन नहीं आया, मतलब सबको पूरा कर रही हूँ ना, सबको पूरा दे रही हूँ, तो बड़ा मजा आता है। जब नहीं दे पाती ना थोड़ी सी नहीं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, आप लोगों की नाराजगियों की वजह से हो जाती है, अदरवाइज मसला नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखो हर बार बोलती हूँ, जब भी स्टॉक आ रहा है उससे बेहतर नेक्स्ट टाइम पे आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा वेट कर लिया करो। तो इंशाल्लाह ताला मैं अभी आउटिंग पे निकल जाऊंगी सब छोड़ छाड़ के, मैं बोल रही हूँ ना मुझसे अच्छा पकौड़े वाला है शामिक, हमसे अच्छे पकौड़े वाले, रोल समोसा जितना आइटम लेकर आए तले बेचे, जब वो खत्म हुआ बंद किए और चले गए, हम बंद भी नहीं कर सकते, हमें देखो हम बंद भी नहीं कर सकते, दूसरे काम इंतजार कर रहे होते, दोपहर से जो हम काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल के पार्सल भेज रहे थे और जो सारे काम कर रहे थे, हमारे स्टिचिंग का काम चल रहा था, टुक टुक बीच में जो माल ऐसा है जो मौजूद है उसके अगर ऑर्डर्स हैं तो वो भी साथ साथ बना रहे थे, अभी भी शामिक स्टिल वही कर रहा है, और कराची के पार्सल तैयार हो रहे थे, वो सब हम कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन लड़के इतने सड़े सड़े मुंह बना रहे थे जो स्टेटस पे लगा हुआ था माल खत्म होने पर, आप ही ये कह रही है, आप ही ये कह रही है। इनफैक्ट जब लेडीज रोती है तो फिर हम लोग भी दुखी हो जाते हैं है? तो बहरहाल चलिए जी, आप अपनी बहन को इसी तरह दुआओं में याद रखिए। ये मेरा मैसेज उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों को आइटम नहीं मिले हैं, उन सभी लोगों से तहे दिल से माजरत जो मुझसे नाराज हैं। अब इन दी एंड शॉर्टकट हम बताते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी बना ली, मैं बातूनी बहुत हूं, मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी कि मैं इनबॉक्स में फर्दन जो लोग मेरे लिए मैसेजेस दे रहे हैं, मैं उन सबसे फर्दन जो है सबको जवाब नहीं दे पाऊंगी, बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी, तहे दिल से मैं आप लोगों से माजरत करती हूँ। जिन लोगों को स्टॉक हम लोग नहीं दे सके उसके लिए तहे दिल से माजरत, इंशाल्लाह ताला कल के लाइव में और बेहतर स्टॉक होगा, कोशिश करूंगी जैसे लास्ट सेकंड लास्ट लाइव में कोशिश की थी कि जिनको सेकंड लास्ट में नहीं मिला था उनको लास्ट में मिला है,
अब अभी देखना ये मैसेज, ये वॉइस, ये मेरा एक जो सेंटेंस है ना ये पकड़ के भी बोलेंगे, मुझे पिछले में भी नहीं मिला था, मुझे अभी भी नहीं मिला। अरे यार जितना स्टॉक है उन्हीं लोगों उनमें दिया, आप कुछ लोग रह गए, जो रह गए वो उनसे माजरत, देखो हाथ जोड़ के माजरत कर रही हूँ, और इंतजार करो कल इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है मेरी न्यू स्टॉक, हालांकि मेरा इस बात से कांपे टांग रही है सोच के कि नए स्टॉक डालने पर बहुत ज्यादा फड्डे हो रहे हैं। मैं सच सोच रही हूँ इसी को घुमाती रहूँ, इसी को सेल लगाती रहूँ, मैं कुछ और ना निकालू, अभी बहुत ज्यादा भी जो है ना मारा मारी चल रही है, लेकिन करना तो है ना, काम तो करना है, इस तरह डर के नहीं भाग सकते। तो लड़कों को भी यही बात समझा रही हूँ। बहरहाल बिलिंग करते हुए डर रहे हैं लड़के, जवाब देते हुए डर रहे हैं लड़के कि ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, मतलब एंड में तो ये हाल हो गया, मैं खुद मैसेज कर दूंगा मैं ये नहीं लिख रही, ये नहीं है सिस्टर, ये नहीं मिलेगा चुपू भाई मैं चुपू। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला ये तमाम मेरी उन बहनों के लिए मैसेज है जो मुझसे नाराज हैं, अपनी बहन से नाराज हैं, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी है, अल्लाह के हुक्म से इतना सपोर्ट करते हो आप लोग, मेरे अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत शुक्रिया, मेरे अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ताला एक मिनट के लिए फारिग नहीं रखता, अल्लाह का ये बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने आप जैसी बहनें दी हैं, आप जैसे क्लाइंट दिए हैं माशाल्लाह, जिनका एतबार यकीन भरोसा इस हद तक है कि वो पिक्चर्स उठा उठा के मुझे दे रहे होते हैं कि मुझे आपसे ही चाहिए, आप दो महीने में ला के दो, तीन महीने में ला के दो, आप ला के दो, थैंक यू सो मच। और जो लोग मुझसे नाराज हैं उनसे तहे दिल से माजरत, टेंशन ना लो मेरी बहनों, परेशान नहीं हो, मेरा मैसेज आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही है, और इतना ही कह सकती हूँ कि आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। मेरा हशर देखो क्या हो रहा है, ये देख रहे हो आईब्रोज, तकरीबन तीन महीने हो गए होंगे मुझको, जो मेरा आइडिया है आईब्रोज बनाने का टाइम नहीं है, जिनको घर बुलाती हूँ और वो आकर मेरी सर्विस करते हैं तो घर में टाइम देने का टाइम नहीं है कि वो मेरी आईब्रोज फेशियल जो भी सर्विस मुझे चाहिए वो करें, उसका टाइम नहीं है, किस तरह से करवाऊं, हशर देखो क्या हो रहा है। और बकौल हसन की सुर्खी लगा लो, तो सुर्खी भी नहीं लगा पा रही हूं मैं, सुर्खी का भी टाइम नहीं छोड़ा आप लोगों ने, तो थोड़ा सा मेरी बहनों थोड़ा सा प्लीज अपनी बहन का ख्याल करो, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लाइव में आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अच्छा स्टॉक मिलेगा। ये देखो इतनी टेंशन दी हुई है, मैं मुल्लानी बन गई अल्लामा बन के बैठ गई, तरस आ जाए मुझ पर, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में मिल जाएगा। अभी देखो मैं बाहर निकलूं थोड़ा चिल करूं, बीपी शीपी दोपहर से हाई हो रहा है मेरा, मैंने हसन को डांट दिया आज, मुझे मैंने कहा मेरा बीपी हाई हो रहा है अभी चुप हो जाओ, वो गाने लगा रहा था तो मैंने डांट दिया था उसको कि अभी मेरा बीपी हाई हो रहा है, मतलब औरतें चीख रही थी तो उसने माइंड डाइवर्ट करने के लिए गाने लगा दिए थे। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला, अच्छा शामी के भी है सात गज, उनका सात नहीं पूरा पौने छह है जो लेस के साथ दस गज, तो बहरहाल थोड़ा सा ख्याल कर लो, एक बार फिर माजरत तहे दिल से माजरत, आपकी बहन अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों इतनी दुआएं, नहीं ये नहीं बोलूंगी इतनी दुआएं क्यों करते हो, करो इतनी दुआएं करो, अब थोड़ा सा तो भुगतना पड़ेगा ना, थोड़ा सा होगा ना, जब इतनी दुआएं करते हो, इतना साथ देते हो, इतनी मोहब्बत करते हो, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। आज के लिए रुक जाओ, कल इंशाल्लाह ताला न्यू स्टॉक आ रहा है और अच्छा आ रहा है, अभी मुझे नहीं पता क्या आ रहा है लेकिन और अच्छा आ रहा है मुझे पता है। तो बहरहाल तसल्ली रखो इंशाल्लाह ताला, उन लोगों को जिन लोगों को नहीं मिला उनको मिल जाएगा, और जो जो मुझसे नाराज है मेरी बहनें, बहुत पुरानी बहनें सारी नाराज है, तो माजरत यार, तर्स खा लो इस मासूम से चेहरे पर और दरगुजर करो इंशाल्लाह ताला अच्छे स्टॉक पे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये वीडियो मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरी उन बहनों के लिए जो मुझसे नाराज है। अब इतनी सारी बहनों को मैं कैसे मनाती सेपरेट, मतलब इतने देर में तो मतलब एक साल गुजर जाता मेरा मनाने में तो इसलिए मैंने कहा एक ही वीडियो बना दूं, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग मेरा मैसेज देख लें जो मुझसे नाराज हैं। और कल का लाइव ज्वाइन कर लीजिएगा, नई वाली नहीं छोटे पल वाली 130 वाली, और कल का लाइव ज्वाइन कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला, उसमें स्टॉक मिल जाएगा। हाँ ठीक है, इसके अलावा फिलहाल अभी एंड करती हूँ आज वीडियो, देखो अभी बाहर जा रही हूँ तो कोशिश करूंगी एक छोटी सी वीडियो बना लूं। ठीक है, आप लोगों ने से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि जो लोग मेरे नाराज हैं, जो मेरी बहनें नाराज हैं, जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हैं, जो मेरे लिए काबिले एहतराम है, काबिले इज्जत है, उनके लिए मैं लाइव गई हूँ, इनफैक्ट मतलब लाइव तो नहीं गई, वीडियो शेयर कर रही हूँ सिर्फ उन लोगों के लिए। तो उन क्या करना है आप लोगों ने, अभी आप लोगों ने इस वीडियो की ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करनी है ताकि वो मेरी बहनें देख लें और उनकी नाराजगी दूर हो जाए, मकसद है उनकी नाराजगी को दूर करने का। और यकीन कीजिए दोपहर से कोशिश कर रही हूं कि मैं एक वीडियो बना सकूं, पर मैं नहीं बना पा रही, मसरूफियत की वजह से नहीं बना पा रही, कहने को ऑर्डर्स माल तकरीबन खत्म हो चुका था दोपहर में,
खत्म, मतलब मैं जब तक आई हूँ जुमा पढ़ के, मेरे आने तक खत्म हो चुका था। बहुत कम मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया है, तकरीबन एंड हो चुका था जब तक मैं आई हूँ। उसके बावजूद मैं एक वीडियो नहीं बना सकी, मसरूफियत फिर भी है। मैंने बोला ना पकौड़े वाला अच्छा है, तो बहरहाल अल्लाह तौबल्ला माफ करे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल जो है अब इंशाल्लाह ताला कल के लाइव में मिलते हैं। इस वीडियो को जो मेरी बहनें मुझे सपोर्ट करती हैं, इस वीडियो पे जो नाराज हैं वो कमेंट जरूर करना, तो मुझे पता लग जाएगा कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग मान गए, कितने लोग नहीं माने। और वीडियो को शेयर सबने करना है, ये मैं बता रही हूँ, वीडियो को शेयर सबने करना है, ताकि ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो स्पॉइल ना हो, वो मकसद पूरा हो जाए कि उन लोगों तक ये वीडियो चली जाए जो मेरी बहनें नाराज हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर माजरत, अल्लाह हाफिज़।